दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुरेश और आप सभी लोग देख रहे हैं टेक्सटाइल एडवाइजर। दोस्तों आज हम आपके साथ में डिस्कस करेंगे कि टेरी वीव क्या होती है और टेरी फैब्रिक कितने प्रकार के होते हैं और टेरी वीव कैसे बनाई जाती है। तो आज मैं आपके साथ में डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। तो गाइज, इसके पहले कि मैं डिस्कशन शुरू करूँ, मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ में साइड में लगा हुआ बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे कि मेरे आने वाले अपकमिंग वीडियोज के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो गाइस, ये जो टेरी वीव होती है, ये एक स्पेशल टाइप की वीव होती है और इसको हम बार पाइल फैब्रिक के नाम से भी जानते हैं। और जो टेरी वीव का कपड़ा होता है, उसके ऊपर या तो एक साइड में या दोनों ही साइड में क्या होता है कि जो धागे होते हैं उनके लूप बने होते हैं। और टेरी वीव को बनाने के लिए हम बार्ब की दो सीरीज प्रयोग करते हैं और वेफ्ट की एक सीरीज प्रयोग करते हैं। गैस, जो बार्ब की दो सीरीज होती हैं उनमें से एक सीरीज होती है आपकी जो ग्राउंड बार्ब के लिए यूज की जाती है और दूसरी सीरीज होती है वो पाइल बार्ब के लिए यूज की जाती है। और टेरी वीव के अंदर जो लूप का फॉर्मेशन होता है यान का, वो आपके पाइल बार्ब के द्वारा होता है। और गैस, टेरी फैब्रिक या टेरी वीव के अंदर वेफ्ट की एक सीरीज प्रयोग होती है। गाइज, मैं आपको एक चीज और बता दूं कि ये जो टेरी फैब्रिक होते हैं तो इनके जीएसएम ज्यादा होते हैं, मतलब इनका वेट होता है ग्राम्स पर स्क्वायर मीटर, वो ज्यादा होता है। और इनकी जो मॉइस्चर एब्जॉर्बिंग कैपेबिलिटी होती है ज्यादा होती है, ये ज्यादा मॉइस्चर होल्ड कर सकते हैं और इनकी जो सर्फेस होती है वो भी सॉफ्ट होती है। तो गाइज, अब मैं आपको बताता हूँ कि जो आपका टेरी फैब्रिक होता है तो कौन से लूम पे बन सकता है, मतलब जब आप टेरी फैब्रिक को बनाने जा रहे हैं तो आपके लूम के ऊपर कौन कौन से मोशन अटैच होने चाहिए, मतलब लूम्स स्पेसिफिकेशन क्या होने चाहिए। गाइस देखिए, लूम्स स्पेसिफिकेशन, तो गाइस जो आपका टेरी फैब्रिक होता है वो किसी भी नॉर्मल लूम पे नहीं बनाया जा सकता है। जैसे कि आपका फ्लैट कपड़ा बनता है तो इस तरीके के लूम पे आप टेरी फैब्रिक नहीं बना सकते हो। तो गाइस, ये जो टेरी वीव होती है तो इस तरीके के कपड़े को बनाने के लिए आपके लूम के ऊपर स्पेशल मैकेनिकल अरेंजमेंट होते हैं। और टेरी लूम के ऊपर क्या होता है गाइस कि आपके बार्ब के बीम को रिलीज करने के लिए दो लेट ऑफ मोशन होते हैं और दोनों लेट ऑफ मोशन इंडिपेंडेंट वर्क करते हैं, मतलब अलग अलग वर्क करते हैं। और ये जो लेट ऑफ मोशन होते हैं टेरी लूम के ऊपर वो आपके पॉजिटिवली ड्रिवन होते हैं, मतलब उनको या तो मैकेनिकल ड्राइव मिलती है या किसी सर्वो मोटर के थ्रू आप अपने बीम को ड्राइव देते हैं। और ये जो टेरी लूम होता है गाइस, तो इसमें एक लेट ऑफ मोशन होता है आपका ग्राउंड बार्ब के लिए और दूसरा लेट ऑफ मोशन होता है आपका पाइल बार्ब के लिए। अब यहाँ पे एक बात जरूर ध्यान देने योग्य है कि जो आपकी टेरी लूम होती है और जब आपकी टेरी बीम बनाई जाती है या टेरी पाइल का कपड़ा बनता है तो वहां पर क्या होता है कि आपका जो ग्राउंड बीम होता है तो वो धीरे धीरे चलता है, बट आपका जो पाइल बीम होता है वो जल्दी जल्दी चलता है और ग्राउंड बीम का टेंशन ज्यादा रखा जाता है, पाइल बीम का टेंशन बहुत कम रखा जाता है। और टेरी फैब्रिक को बनाने के लिए आप दो बार बीम का प्रयोग करते हैं और एक बार बीम यूज किया जाता है आपके ग्राउंड बार्ब के लिए और दूसरा बार बीम यूज किया जाता है आपके पाइल बार्ब के लिए। तो गाइस, जब आप टेरी फैब्रिक का कपड़ा बना रहे हैं तो यदि आपके लूम के ऊपर डॉबी लगी हुई होती है शेडिंग मोशन के लिए, तभी आप कपड़ा बना सकते हैं या फिर आप जैकार्ड शेडिंग से टेरी पाइल फैब्रिक बना सकते हैं। और गाइस, ये जो टेरी पाइल लूम होती है तो इसके अंदर जो आपकी रीड होती है वो स्पेशली डिजाइंड होती है, मतलब उसकी जो डिजाइन होती है स्पेशल टाइप की होती है। और वहां पे क्या होता है कि जो डेंट वायर होते हैं उनकी दो रो होती हैं और जो डेंट का अरेंजमेंट होता है तो इस तरीके से होता है कि जब वो डेंट वायर आगे पीछे माउंट किए जाते हैं तो उससे आपके एक डेंट में ही दो डेंट बन जाते हैं, तो उससे आपका जो पाइल का धागा और ग्राउंड का धागा मिक्स नहीं होता है, वो अलग अलग बने रहते हैं। और गाइस, एक खास मैकेनिज्म और लगाया जाता है किसी भी टेरी पाइल लूम में, तो वो टेरी पाइल लूम होती है तो पाइल कैसे बनती है, तो पाइल बनाने के लिए ही एक स्पेशल टाइप का मैकेनिज्म लगाया जाता है
तो उसको बोलते हैं आप टेरी मोशन। तो उसके अंदर क्या होता है कि जो आपका रीड होता है, तो जो रीड की वेटिंग होती है, तो वो वेरिएबल वेटिंग होती है। मतलब जैसे आप उसमें फीड कर देंगे, या तो कंप्यूटराइज हो सकता है या आपका मैकेनिकल भी हो सकता है। तो मैकेनिकल में जैसा आप अरेंजमेंट कर देंगे या कंप्यूटर में जिस तरीके से आप फीड कर देंगे, उसी हिसाब से आपका जो वेटअप मोशन है परफॉर्म करता है। तो वो प्रोग्राम के अनुसार कभी तो फुल वेटअप करता है, मतलब आपके फैल ऑफ द क्लॉथ को बिल्कुल करेक्ट पोजिशन में ले जाता है, और प्रोग्राम के अनुसार कुछ पिक के लिए वो आपके पिक की पार्शियल वीटिंग करता है, मतलब पूरी वीटिंग नहीं करता है। तो इस टेरिफाइल मोशन से आपके कपड़े के अंदर जो बार के धागे होते हैं उनके लूप का निर्माण होता है। और गाइस, जैसा कि आप जानते हैं, जैसा मैंने ऊपर भी बताया आपको कि जो टेरिफाइल फैब्रिक होते हैं तो वो हैवी फैब्रिक होते हैं, उनका जीएसएम ज्यादा होता है। तो इसलिए अपनी लूम के ऊपर एक जो टेकअप रोलर होता है, तो उसमें कुछ मॉडिफिकेशन होते हैं, मतलब उसकी या तो एमरी कोर्स हो सकती है या उसके अंदर जो स्पाइक रोलर भी लगा सकते हैं आप। तो उससे क्या होता है कि टेकअप करने में आसानी होती है, कपड़ा स्लिप नहीं करता है। और एक लास्ट अरेंजमेंट और होता है, वो ऑप्शनल होता है, आप चाहें तो कर सकते हैं और नहीं चाहें तो कोई बात नहीं। बट क्या होता है कि फ्लैट कपड़ा होता है वो तो आपका जो क्लॉथ रोलर होते हैं तो वही मशीन के साथ में नीचे अटैच होते हैं, उनमें आपका कपड़ा बाइंड होता है। बट क्योंकि टेरिपाइल फैब्रिक भारी होता है, तो जब आपका रोल यदि नीचे लगा होगा तो वहां पे क्या होगा कि आपका जो क्लॉथ रोल है वो जल्दी जल्दी भर जाएगा और आपको बहुत जल्दी जल्दी डॉफिंग करनी पड़ेगी, तो आपका जो टाइम होता है वो वेस्ट होता है। तो इस टाइम को बचाने के लिए, डॉफिंग टाइम को हम बचाने के लिए या रिड्यूस करने के लिए, हम टेरिपाइल मशीन के ऊपर, टेरिपाइल लूम के ऊपर बैचिंग मोशन का भी प्रयोग करते हैं। तो बैचिंग मोशन में क्या करते हैं, आप बड़े बड़े कपड़े के रोल बना सकते हैं, उससे आपका जो डॉफिंग टाइम होता है वो रिड्यूस हो जाता है। तो गाइस, ये तो हुआ आपका किस तरीके के लूम स्पेसिफिकेशन चाहिए लूम के ऊपर, जब आप अपने लूम के ऊपर टेरिपाइल फैब्रिक बनाने जा रहे हैं। अब गाइस, मैं आपको बताता हूं कि जो टेरिपाइल फैब्रिक होते हैं तो वो कितने प्रकार के होते हैं, मतलब टाइप्स ऑफ टेरी फैब्रिक। तो गाइस, ये जो टाइप्स ऑफ टेरी फैब्रिक है, तो इनको क्लासिफाई करने का कोई एक बेस नहीं है। तो हम इन कपड़ों को अलग अलग आधार पर अलग अलग ग्रुप में वर्गीकृत कर सकते हैं। तो गाइस, मैं आपको एक एक आधार बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि किस तरीके से आप उनको कितने कितने कैटेगरी में आप क्लासिफाई कर सकते हो। तो गाइस देखिए, पहला जो बेस होता है आपका अकॉर्डिंग टू बीम, मतलब आपके टेरिपाइल फैब्रिक के कपड़े में कौन सी बीम यूज की गई है, तो उसके अनुसार आप अपने कपड़े को किन कैटेगरी में विभाजित करेंगे। तो गाइस देखिए, सबसे पहला होता है थ्री पिक टेरी। तो गाइस, ये जो थ्री पिक टेरी होती है, तो इसके अंदर क्या होता है कि जब आपका कपड़ा बनता है तो आपके बीम के अंदर दो लूज पिक जाते हैं, मतलब दो बार वीटिंग पार्शियल होती है और तीसरी बार में वीटिंग फुल होती है। और आपका जो थ्री पिक टेरी होती है, इसके अंदर जो पाइल का फॉर्मेशन होता है या पाइल का निर्माण होता है, वो तीन पिक इंसर्ट करने पर एक बार होता है, तो इसलिए इसको थ्री पिक टेरी भी कहते हैं। तो गाइस, आप इस पिक्चर के माध्यम से देख सकते हैं कि आपके पाइल फॉर्मेशन के लिए कितने पिक लग रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, आप देख सकते हैं ये ब्लू वाला धागा है, ये दो पिक के लिए अप हुआ और एक पिक के लिए डाउन हो गया। तो इसका मतलब हुआ इसने तीन पिक में एक पाइल बनाई। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि जो आपका थ्री पिक टेरी होता है उसमें तीन पिक के ऊपर एक पाइल का निर्माण होता है। गाइस, अब एक होता है आपका फोर पिक टेरी। तो सेम चीज है, फोर पिक टेरी के अंदर क्या होता है कि आपका जो पाइल का निर्माण होता है, तो चार पिक पे एक बार पाइल बनती है, इसलिए इसको फोर पिक टेरी कहते हैं। तो गाइस, ये थ्री पिक टेरी होती है, तो इसके अंदर पाइल डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है, जितनी भी आपकी टेरी पाइल की वीव है उनमें सबसे ज्यादा होती है। तो कारण ये होता है कि आपका जो पिक रिपीट है, तो उसमें क्या होता है कि हर तीन पिक पे पाइल बन रही है, तो इसलिए सबसे ज्यादा होती है।
और ये जो आपकी 4 पिक टेरी है तो इसके अंदर जो पाइल डेंसिटी होती है 3 पिक टेरी से कम होती है, तो यहाँ पे क्या होता है कि 4 पिक में एक पाइल बनती है। और गाइस एक होती है आपकी 5 पिक टेरी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 5 पिक के ऊपर एक पाइल बनती है, तो इसलिए इसको 5 पिक टेरी कहते हैं गाइस। और इसकी जो पाइल डेंसिटी होती है वो 3 पिक टेरी और 4 पिक टेरी से कम होती है। गाइस एक होती है आपकी 6 पिक टेरी, तो ये जो 6 पिक टेरी होती है इसके अंदर आपकी 6 पिक के ऊपर एक पाइल बनती है, आप देख सकते हैं गाइस। तो इसलिए इस वेव के अंदर जो पाइल की डेंसिटी होती है तो 3 पिक टेरी या 4 पिक टेरी या 5 पिक टेरी से कम होती है गाइस। अब एक बेस होता है आपका अकॉर्डिंग टू लूप ज्योमेट्री, मतलब जो आपकी पाइल के लूप की शेप होती है तो उसके आधार पर आप अपनी टेरी पाइल फैब्रिक को 2 क्लास में डिवाइड करते हैं। तो एक होती है आपकी क्लासिक टेरी। तो गाइस होता क्या है कि जब पाइल फॉर्मेशन होता है और पाइल फॉर्मेशन होने के बाद में या तो आपका जो लूप है अनचेंज्ड रहता है या पाइल बनने के बाद में आपके लूप की जो शेप है वो बदल जाती है, तो यही आधार है इसका जो लूप ज्योमेट्री होती है। तो यहाँ पे देखिए आप एक क्लास होता है आपका क्लासिक टेरी, तो इसके अंदर क्या होता है गाइस कि पाइल का फॉर्मेशन होने के बाद में आपके जो पाइल के लूप होते हैं वो आपस में ही ट्विस्ट हो जाते हैं। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं आप कि ये जो पाइल के लूप हैं तो ये ट्विस्ट हो गए हैं, देखिए ये किस तरीके से ट्विस्ट हो गए हैं आपस में, तो इसलिए इसको क्लासिक टेरी बोला जाता है। एक होता है गाइस आपका फैशन टेरी, तो फैशन टेरी के अंदर क्या होता है कि जो आपका पाइल होता है तो पाइल का लूप वो अनचेंज रहता है, तो इसको हम फैशन टेरी कहते हैं। तो गाइस देख सकते हैं आप कि ये जो लूप है बिल्कुल अपनी ओरिजिनल शेप में है जिस तरीके से ये बनते हैं, और यहाँ पे कहीं पे कोई ट्विस्टिंग वगैरह नहीं दिखेगी आपको गाइस। एक मेस होता है आपका अकॉर्डिंग टू लूप डिपोजिशन, मतलब जो आपका पाइल फैब्रिक है टेरी पाइल फैब्रिक है उसके ऊपर जो लूप बनते हैं, मतलब एक साइड में बन रहे हैं या दोनों साइडों में बन रहे हैं, तो ये भी एक आधार होता है आपको टेरी पाइल फैब्रिक को वर्गीकृत करने का। तो यहाँ पे गाइस देखिए एक होता है सिंगल पिक टेरी, तो सिंगल पिक टेरी में क्या होता है कि आपके कपड़े में जो पाइल का निर्माण होता है वो एक साइड में ही होता है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका सिंगल पिक टेरी है, तो यहाँ पे देखिए ये इधर को हो रहा है तो यहाँ पे नीचे नहीं हो रहा, ये पलट के फिर नीचे होने लग गया तो इसके ऊपर नहीं हो रहा, मतलब आपका जो पाइल का फॉर्मेशन हो रहा है पाइल का निर्माण हो रहा है वो एक साइड में ही हो रहा है, तो इसलिए इसको सिंगल पिक टेरी कहते हैं। इस कपड़े में भी आप देख सकते हैं कि आपका जो पाइल का फॉर्मेशन है वो एक साइड में ही हो रहा है कपड़े में गाइस। दूसरा होता है आपका डबल पिक टेरी, तो डबल पिक टेरी में क्या होता है कि जो आपका पाइल फॉर्मेशन होता है वो दोनों साइड में होता है, तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये देखिए जब यहाँ पे पाइल बन रही है तो इसके नीचे भी इधर पाइल बन रही है, इसलिए इसको डबल साइड टेरी कहते हैं गाइस। एक और वेस होता है क्लासीफाई करने का, वो होता है अकॉर्डिंग टू सर्फिस मॉडिफिकेशन, मतलब जो आपका कपड़े का सर्फिस होता है तो उसको मॉडिफाई भी करते हैं, मैकेनिकली मॉडिफाई किया जाता है, तो उस बेस पे भी आप अपने टेरी पाइल फैब्रिक को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है शियर टेरी, तो शियर टेरी क्या होती है गाइस कि आप शियरिंग मशीन की सहायता से अपने कपड़े में एक साइड के पाइल के लूप कट कर देते हैं, तो वहां पे क्या होता है कि जो ट्विस्ट वगैरह होता है वो अच्छी तरीके से ओपन हो जाता है, और ट्विस्ट ओपन होने से आपका जो स्ट्रक्चर होता है तो उसकी रिचनेस हो जाती है, मतलब ऐसे लगेगा कि इसमें पाइल डेंसिटी बहुत ज्यादा है, और उससे आपके कपड़े की एब्जॉर्बेंस भी बढ़ जाती है। और एक होती है आपकी नॉन शियर, जैसा आपका कपड़ा बनता है वैसा ही प्रयोग किया जाता है, इसमें जो लूप होते हैं उनको कहीं पर भी कट नहीं किया जाता, तो इसको नॉन शियर टेरी कहते हैं, आप पिक्चर में देख सकते हैं गाइस। अब गाइस एक और होता है अकॉर्डिंग टू यूज, तो जो आपके टेरी पाइल के कपड़े होते हैं तो उनका क्या यूज हो रहा है, तो इस आधार पर भी आप अपने टेरी पाइल फैब्रिक को डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस में वर्गीकृत कर सकते हैं। तो पहला क्लास होता है आपका गैस वाश टॉवल, हैंड टॉवल दूसरा, बाथ टॉवल तीसरा, और चौथा होता है आपका बाथ मैट, पांचवा बीच टॉवल, छठवा किचन टॉवल, सातवा किचन मिट्स, और आठवा योगा टॉवल, और नौवा गोल्फ टॉवल। तो जैसे इनके नाम है उसी हिसाब से इनके यूज होते हैं, जैसे आपका गोल्फ टॉवल होता है तो गोल्फ टॉवल जो गोल्फ के खिलाड़ी होते हैं वो जब गेम खेलते हैं तो वहां पे करते हैं। योगा टॉवल में क्या होता है कि उसका जो थिकनेस होता है कपड़े का थोड़ा सा ज्यादा होता है जिससे कि योग करने में आसानी रहे। तो किचन मिट क्या होते हैं आपके जो ग्लव्स होते हैं किचन में यूज होते हैं, और किचन टॉवल जो
किचन के अंदर बर्तन को पोंछने के लिए गीले बर्तन को प्रयोग किए जाते हैं, और आपका बीच टॉवल है तो जो विदेशों में लोग नहाने के लिए जाते हैं, सनबाथ करने के लिए जाते हैं समुद्र के किनारे, तो वहां पर इन टॉवल्स का प्रयोग करते हैं वो। और बाथ मैट क्या होते हैं, आप दरवाजे के ऊपर जो बाथरूम होता है तो वहां पर मैट के रूप में आप इस कपड़े को प्रयोग करते हैं। और बाथ टॉवल तो आपको पता ही है नहाने में प्रयोग किए जाते हैं, हैंड टॉवल तो आपको पता ही है छोटे साइज के होते हैं, आप अपने हाथ में लेके चल सकते हैं या उनको अपने पॉकेट में भी रख सकते हैं। और वॉश टॉवल होते हैं कि ये बड़े होते हैं हैंड टॉवल से थोड़े, और ये भी हाथ पोंछने वगैरह के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो गाइस ये मैंने आपको क्लासिफिकेशन बताया कि टेरिपाइल फैब्रिक को डिफरेंट डिफरेंट आधार पर आप कौन कौन से कैटेगरी में वर्गीकृत कर सकते हैं। तो गाइस अब मैं आपको बताता हूँ कि टेरिपाइल वीव का कंस्ट्रक्शन कैसे किया जाता है। तो गाइस मैं इस पिक्चर के माध्यम से आपको बताता हूँ कि किसी भी टेरी वीव का कंस्ट्रक्शन कैसे किया जाता है, और पाइल और बार्फ के धागों का अरेंजमेंट किस तरीके से होता है, और कितने पिक्स पर रिपीट होते हैं, कितने एंड्स पर रिपीट होते हैं। तो गाइस यहाँ पर मैंने आपको चार वीव बताई हुई हैं जो कॉमनली यूज की जाती हैं इंडस्ट्री के अंदर। तो पहली है आपकी थ्री पिक टेरी, दूसरी आपकी फोर पिक टेरी, और तीसरी है आपकी फाइव पिक टेरी, और लास्ट है आपकी सिक्स पिक टेरी। तो हम ये क्यों बोल रहे हैं कि थ्री पिक टेरी, फोर पिक टेरी, फाइव पिक टेरी? तो इसमें गाइस आप एक चीज देखिए, जितने भी वीव मैंने आपको बना के दिखाए हुए हैं इसके अंदर आपको नंबर ऑफ एंड्स पर रिपीट सारे बीम में समान मिलेगा। मतलब आपके थ्री पिक टेरी, फोर पिक टेरी, फाइव पिक टेरी, सिक्स पिक टेरी, सारे के सारे बीम के अंदर जो नंबर ऑफ एंड्स पर रिपीट समान है, और आपका जो नंबर ऑफ एंड्स पर रिपीट है वो कितना है, वो है आपका चार एंड्स यूज किए हैं आपने सब बीम्स में। और गाइज जो आपका पाइल और ग्राउंड के धागे का या एंड्स का अरेंजमेंट कपड़े के अंदर होता है तो वो आप ड्राइंग के अंदर फिक्स करते हैं। तो यहाँ पे जो आपका अरेंजमेंट है पाइल एंड और ग्राउंड एंड का या सीक्वेंस है, तो गाइस आप देख सकते हैं कि सारे के सारे बीम में सिमिलर है। आप यहाँ पे देखिए ये पी वन आपका पाइल वन है और जी वन ग्राउंड वन है, तो इसके बाद में पी टू और जी टू, मतलब एक पाइल एक ग्राउंड, एक पाइल एक ग्राउंड। इसमें भी आप देख लीजिए एक पाइल एक ग्राउंड, एक पाइल एक ग्राउंड। इसमें भी देखिए आप एक पाइल एक ग्राउंड, एक पाइल एक ग्राउंड। इसमें भी देख लीजिए एक पाइल एक ग्राउंड, एक पाइल एक ग्राउंड। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो सीक्वेंस होगा ड्राइंग करने का वो भी ये जो चारों वीव हैं समान होगा। आपके नंबर ऑफ एंड्स पर रिपीट है वो भी समान है, मैंने आपको बता दिया। अब देखिएगा फर्क क्या होता है इन चारों वीवों में, अब देखिएगा इन चार बीम में डिफरेंस क्या होता है। तो यहाँ पर डिफरेंस दो चीजों में होता है, एक तो आपके नंबर ऑफ पिक्स पर रिपीट सारे बीम में अलग हैं, और जो आपका सीक्वेंस है पिक इंसर्शन का जहां पे आपकी बीटिंग हो रही है तो वो भी आपका डिफरेंट मिलेगा। आप सबसे पहले देखिए थ्री पिक टेरी, तो आप पहले तो पाइल बार्फ की लिफ्टिंग देखिए, तो आपके दो एंड यूज किए हैं पाइल वन पाइल टू। तो गाइस देखिए यहाँ पर जो पाइल वन एंड है वो किस तरीके से लिफ्ट कर रहा है, देखिए यहाँ पे ये आपका वन अप वन डाउन वन अप है, तो इसका जस्ट अपोजिट आपका जो दूसरा पाइल एंड है वो लिफ्ट करेगा। देखिए ये अप है तो ये डाउन हो गया, ये डाउन था तो ये अप हो गया, ये अप था तो ये डाउन हो गया, दोनों एक दूसरे के अपोजिट चलेंगे। इसी तरीके से गाइस आपके जो ग्राउंड एंड है वो भी इसी तरीके से लिफ्ट करेंगे, देखिए आपका ग्राउंड वन है तो यहाँ पे देखिए टू अप वन डाउन है, तो आपका ग्राउंड टू इसका अपोजिट चल रहा है टू अप वन डाउन। और जो आपका वीटिंग अरेंजमेंट है तो गाइस देखिए ये लूज लूज फास्ट, मतलब दो पिक जब पड़ेंगे पिक वन और पिक टू जब इंसर्ट होगा तो आपकी वीटिंग होगी वो पार्शियल वीटिंग होगी, और जैसे ही आपकी पिक तीसरी पड़ जाएगी और उसके बाद में आपकी जो वीटिंग होगी वो फुल वीटिंग होगी, और जब आपकी फुल वीटिंग होगी तो आपका जो पाइल का धागा था उससे आपके कपड़े के अंदर लूप का फॉर्मेशन हो जाता है। तो गाइस मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर कर दूं आपको कि लूप का फॉर्मेशन कैसे होता है। सपोज करिए आपके दो पिक पड़े पिक नंबर एक और पिक नंबर दो, तो यहाँ पे क्या होगा कि पिक नंबर एक और पिक नंबर दो आपके फेल ऑफ दी क्लॉथ पोजिशन से थोड़े से रीड की तरफ रहेंगे वो, और जैसे ही आपका पिक नंबर थ्री इंसर्ट होगा
तो वहां पे आपका जो फर्स्ट रीड मोशन होगी मतलब फुल मीटिंग हो जाएगी वहां पे। तो जब फुल मीटिंग होगी तो चूंकि आपके ग्राउंड के धागे तो आपके टाइट होते हैं, टेंशन ज्यादा होता है, तो ग्राउंड के धागे से लूप नहीं बनता है, बट जो आपका पाइल का धागा होता है तो वो लूज टेंशन होता है उसका, तो लूज टेंशन के वजह से पाइल के धागे खिंच जाते हैं और खिंच के लूप फॉर्मेशन हो जाता है आपके कपड़े की सरफेस के ऊपर। तो इस तरीके से आपका पाइल के धागों से लूप का निर्माण होता है गाइस। अब आप यहाँ पे यदि बात करेंगे कि शेडिंग मोशन की या आप ड्राफ्ट की बात करेंगे, तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये चारों के चारों धागे हैं, तो यहाँ पे इनकी लिफ्टिंग किसी की भी एक दूसरे से नहीं मैच कर रही है। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा कि स्ट्रेट ड्राफ्ट लेना पड़ेगा, चार हीट शाफ्ट यूज करने पड़ेंगे और जो फैक्ट प्लान होगा वो सिमिलर टू डिजाइन होगा गाइस। अब गाइस आप देखिए यहाँ पे फोर पिक टैरी, तो सब चीज समान है, बस आपका जो नंबर ऑफ पिक्स पर रिपीट है उनमें फर्क है और जो आपका बीटिंग का अरेंजमेंट है मतलब बीटिंग प्लान है उसमें डिफरेंस है। तो गाइस देखिए यहाँ पे दो पिक लूज होते हैं और दो पिक फास्ट बीटिंग होती है इनकी। और लिफ्टिंग देखिए पी वन, तो वन अप वन डाउन टू अप, तो पी टू देखिए पी वन का अपोजिट है, यहाँ पे देखिए वन डाउन वन अप टू डाउन। और आपका ग्राउंड का देखिए जी वन देखिए आप टू डाउन वन अप और वन डाउन है, तो यहाँ पे देखिए आप जी टू टू अप वन डाउन वन अप, मतलब जी वन जी टू आपस में अपोजिट है। और गाइस आप फाइव पिक टैरी देखिए, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो नंबर ऑफ पिक्स पर रिपीट है वो पांच है और जो आपका बीटिंग प्लान है तो बीटिंग प्लान आप देखिए फास्ट लूज लूज फास्ट फास्ट। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो आपका पायल वन है उसकी लिफ्टिंग देखिए आप टू अप वन डाउन वन अप वन डाउन, तो आपका जो पायल टू है इसकी लिफ्टिंग पी वन से जस्ट अपोजिट होगी टू डाउन वन अप वन डाउन वन अप। और ग्राउंड की देखिए गाइस आप, तो ग्राउंड में क्या है जी वन देखिए आप वन डाउन टू अप वन डाउन वन अप, तो यहाँ पे आपका ग्राउंड जो जी टू है वो हो जाएगा उल्टा वन अप टू डाउन वन अप वन डाउन। इसी तरीके से आप देखिए सिक्स पिक टैरी को, तो सिक्स पिक टैरी में आपके नंबर ऑफ पिक्स पर रिपीट कितने हैं सिक्स हैं और आपका जो वीटिंग प्लान है तो वीटिंग प्लान देखिए लूज लूज फास्ट 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 फास्ट। तो गाइस अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जो आपका पाइल एंड पी वन है तो उसकी लिफ्टिंग क्या है वन अप वन डाउन टू अप वन डाउन वन अप, तो जो आपका पी टू होगा तो उसकी लिफ्टिंग आपके पी वन से जस्ट अपोजिट होगी। देखिए गाइस ये अप है तो यहाँ डाउन हो गया, ये डाउन है तो यहाँ अप हो गया, ये टू के लिए अप है ये टू के लिए डाउन हो गया, यहाँ पे डाउन था तो यहाँ पे अप हो गया, यहाँ पे अप था तो यहाँ डाउन हो गया, जस्ट अपोजिट हो गया पी वन और पी टू। और यहाँ पे आप ग्राउंड देखिए, तो ग्राउंड देखिए जी वन, तो टू डाउन वन अप टू डाउन वन अप, और आपका जो जी टू होगा जी वन का अपोजिट, तो देखिए ये टू के लिए डाउन था ये टू के लिए अप हो गया, ये वन के लिए अप था ये वन के लिए डाउन हो गया, ये टू के लिए डाउन था तो यहाँ पे टू के लिए अप हो गया, और आपका ये वन के लिए अप था तो ये वन के लिए डाउन हो गया, मतलब एक दूसरे के जस्ट अपोजिट वर्क करते हैं आपके ग्राउंड एंड जी वन एंड जी टू। तो गाइस इस तरीके से आपकी टैरी वीव होती है, उनको आप इजीली कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। और गाइस एक चीज और मैं बता देता हूं आपको कि जो आपकी टैरी वीव होती है इसके अंदर जितना आपका नंबर ऑफ पिक्स पर रिपीट बढ़ता जाता है उतने ही आपकी जो पाइल डेंसिटी होती है वो कम होती जाती है। और नंबर ऑफ पिक्स पर रिपीट बढ़ने से एक चीज और होती है कि जो आपकी जो पाइल होती है, तो आपको जितने पिक्स पर रिपीट बढ़ते जाएंगे आपकी जो पाइल का जो फास्टनेस स्ट्रक्चर है, मतलब आपकी पाइल फास्ट होती है, मतलब निकालेंगे तो निकलेगी नहीं, तो ये होता है आपका नंबर ऑफ पिक्स पर रिपीट बढ़ने से। तो गाइस इस तरीके से मैंने आपके साथ में डिटेल में डिस्कस किया कि आपका टैरी वीव क्या होती है, टैरी वीव कितने प्रकार की होती है, टैरी पाइल फैब्रिक को आप कैसे क्लासीफाई करेंगे और आप टैरी वीव का कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे। तो गाइस देख के बताइए मेरा वीडियो कैसा लगा, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक का बटन दबाएं, अपने दोस्तों में शेयर करें, और गाइस यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ में साइड में लगा हुआ बेल आइकन का बटन दबा दीजिए जिससे कि मेरे आने वाले अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद।